बोर्ड वर्कर्स यूनियन के प्रांतीय प्रधान विजेंद्र बेनीवाल के आह्वान पर केंद्र सरकार के बिजली बिल संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में हरियाणा प्रदेश के सभी बिजली उपमंडल कार्यालयों पर बिल के विरोध में प्रदेश के हजारों कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा प्रदेश के सर्कलों में रोष प्रदर्शन के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की। फरीदाबाद सर्कल में संतराम लांबा की अध्यक्षता में सभी जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इस अवसर पर केंद्रीय कमेटी के नेता सतीश छाबड़ी, ओल्ड फरीदाबाद के प्रधान लेखराज चौधरी, विनोद कुमार मौजूद रहे। सरकार आम जनमानस के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। एक तरफ कोरोना काल में बिजली कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति की, इसके बावजूद सरकार मानसून सत्र में बिजली बिल संशोधन 2021 लाकर कर्मचारियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। HSEB वर्कर्स यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है। केंद्र की सरकार जनता व कर्मचारियों से किए गए अपने वादों के विपरीत कार्य कर रही है। एक तरफ सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को स्थायी रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ सरकार विभागों का पूरी तरह से निजीकरण करने पर उतारू है। बिजली आज के समय में हर वर्ग की जरूरत बन चुकी है। बिजली के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। घर घर तक सस्ती व सुलभ वहनीय दरों पर बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए व आम जनमानस, व्यवसायी व किसान को उसका ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। आज 2 वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने पर भी हरियाणा सरकार की कैशलेस मेडिकल सुविधा बिजली विभाग में लागू नहीं की गई। साथ ही 1.5 साल से कर्मचारियों का डीए का एरियर सरकार ने जारी नहीं किया। इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। विभाग में हजारों पद खाली पड़े हैं। कच्चे कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर पक्का किया जाना चाहिए। विभाग से ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन मिलना जरूरी है। सभी कर्मचारियों को इंटर यूटिलिटी ट्रांसफर का लाभ मिले। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को वापस लिया जाए। सभी बिजली कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य संगठनकर्ता महावीर पहलवान ने इस बिल की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आगामी समय में HSEB वर्कर्स यूनियन सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई व अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेगी। यदि समय रहते सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेती और साथ ही कर्मचारी वर्ग से किए गए अपने वादों को पूरा शीघ्र नहीं करती, वरना एक बड़े आंदोलन को करने से संगठन पीछे नहीं हटेगा। फरीदाबाद के सभी 18 सब डिवीजनों पर HSEB वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ गरजते हुए जोरदार नारेबाजी की। सुनील खटाना, प्रदेश महासचिव, HSEB वर्कर्स यूनियन। पूरे प्रदेश में HSEB वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदेश की 78 सब डिवीजनों पर बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2021 के विरोध में बिजली बोर्ड का समस्त कर्मचारी अपना रोष प्रदर्शन व्यक्त कर रहा है। आगामी मानसून सत्र में केंद्र की सरकार बिजली बिल विधेयक 2021 के माध्यम से निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिसका प्रदेश का कर्मचारी समस्त उपमंडल कार्यालयों में लामबंद होकर रोष प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहा है। जितने भी लोकसभा सांसद हैं उनको ये अवगत कराएंगे कि बिजली बिल अमेंडमेंट 2021